हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल यू आर सेफ सो आई हैव कम अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ क्लास एलेवन अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा तो आई सजेस्ट यू काइंडली वॉच दिस वीडियोस इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा देन यू कम बैक यू यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है द क्वेश्चन इज फुल्ली बेस्ड ऑन एमसी क्यू क्योंकि टर्म वन की जो परीक्षा रहेगी क्लास एलेवन का वो एम सी क्यू बेस्ड होगा इसीलिए मैं यहां पर एमसी क्यू का एम uh, सी क्यू लेके आया हूं ठीक है so, सो लेटेस्ट स्टार्ट ठीक है पहला क्वेश्चन देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है ओके द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बोल रहे हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस दैट वन ऑलरेडी यू हैव लर्न कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस क्या होता है कैपिटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है बोला इफ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इफ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर वन लाख एंड इक्विटी इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी इक्विटी इक्विटी का मतलब क्या होता है वही कैपिटल इक्विटी इज व्हाट इक्विटी इज कैपिटल कैपिटल ठीक है हमें क्या पता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपके पास एसेट्स का वैल्यू कितना दिया एक लाख ओके। इक्विटी मतलब कैपिटल का वैल्यू है आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड और लाइबिलिटीज निकालना है तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा इक्वेशन को अगर चेंज करते हैं तो वन लाख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस ट्वेंटी थाउजेंड हो गया ऑप्शन इस एजेंड ठीक है तो यहां से हमें एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया कि लाइबिलिटीज जो है लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल ठीक है ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एटी थाउजेंड ओके मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बेस ऑफ कौन सा सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम डू रिमेंबर डबल एंट्री सिस्टम का बेस ही है अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ठीक है ओके नाउ हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का फादर या जनक किससे कहा जाता है दैट इज ल्यूका पस्कोली ल्यूका पस्कोली ठीक है ओके वी आर मूविंग इन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेट इनकम इक्वल टू इनकम माइनस क्या होता है नेट इनकम ध्यान से देखिए नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस इनकम माइनस एक्सपेंसेस ठीक है इनकम माइनस एक्सपेंसिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बोला ऑन फर्स्ट जनवरी 2009 एन एंटिटी एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एनटिटीज बैलेंस शीट शो टोटल एसेट्स टोटल एसेट कितना शो किया 850 ठीक है एंड टोटल लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटीज शो किया 250 ओके ओनर इक्विटी मतलब कैपिटल कितना है याद रखिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी ही कैपिटल होता है तो टोटल एसेट्स 850 से 250 माइनस कर दिया कितना हो गया सिक्स हंड्रेड छह सौ ऑप्शन नंबर डी क्लियर टू नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइबिलिटीज आर थर्टी थाउजेंड किसी बिजनेस का लाइबिलिटीज कितना है थर्टी थाउजेंड कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज सेवेंटी थाउजेंड प्रोप्राइटर का जो कैपिटल है वो है सेवेंटी थाउजेंड ठीक है तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स दैट वन वी नो प्लस कर दो टोटल एसेट्स मिल जाएगा विच इज वन लाख इज देर एनी ऑप्शन वन लाख नहीं है तो क्या हो जाएगा नैनोपिस सो होप आप लोगों को यह एमसीक्यू अच्छा लगा होगा अगर किसी को इस तरीके का और एमसी क्यू जानना है ठीक है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये लिखिए यस सर ठीक है कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप लोग को इतना ही लिखना है यस सर आई वॉन्ट यस सर आई वॉन्ट और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर लगे कि इस चैनल से जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए कुछ फायदा होगा ठीक है तो मेरे आप लोगों से यह गुजारिश है कि मेरा ये चैनल आप लोग शेयर कर दीजिए सो दैट मच फॉर टुडे कीप स्माइलिंग गुड बाय